नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप दो अलग अलग फोटो को एक ही बैकग्राउंड में आप कैसे जोड़ सकते हो, कैसे ऐड कर सकते हो। तो गाइज अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ अगर आप भी दो अलग अलग फ़ोटो को एक ही बैकग्राउंड में अगर आप जो है सेट करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले गाइज आपको प्ले स्टोर से पिक्सल लैब एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। सिंपली आपको प्ले स्टोर में पिक्सल लैब ऐप सर्च करना है और गाइज़ आपको जो इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको जो इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और इससे पहले गाइज आपको जो है जिस फोटो को आपको जो है एक ही बैकग्राउंड में जिन दो फोटो को आपको ऐड करना है उन फोटो का बैकग्राउंड आपको सबसे पहले रिमूव करना होगा। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए गाइज आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में आने के बाद सर्च बार पर क्लिक करना और आपको रिमूव डॉट बी जी आपको सर्च करना है। और इसके बाद रिमूव डॉट बी जी की फर्स्ट वेबसाइट पर आपको क्लिक करना और इस पर क्लिक करने के बाद जिस भी आप फोटो को आपका बैकग्राउंड रिमूव करना है सिंपली आपको अपलोड इमेज पर क्लिक करने के बाद आपको जो उस फोटो को यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको उस फोटो को चूज़ करना है जिस फोटो का बैकग्राउंड आपको रिमूव करना है। तो फटाफट गाइज मैं यहाँ पर फोटो का बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं जो फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो सबसे पहले गाइज मैं यहाँ पर जो है इस वाली फोटो को यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ टाइम वेट करना और आपकी फ़ोटो का बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। इसके बाद फोटो का बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो डाउनलोड हो चुकी है। इसी तरह गाइज आपको दो फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो फिर से अपलोड इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ से गाइज आपको सेकेंड फोटो को भी यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दोनों फोटो को चूज़ कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हो इस फोटो का भी बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव हो चुका है। और इसके बाद गाइज आपको जो एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक करते हैं आपका फोटो डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद गाइज आपको पिक्सल ऐप एप्लीकेशन में जाना है और जैसे ही दोस्तों आप पिक्सल ऐप एप्लीकेशन में आओगे इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको जो है ऊपर की ओर आपको प्लस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद गैलरी पर क्लिक करना और गाइज यहाँ पर आपको उस फोटो को सेलेक्ट करना है जिस फोटो का बैकग्राउंड आपने रिमूव किया है। तो यहाँ पर मैं जो इस वाली फोटो को चूज़ कर लेता हूँ। फोटो सेलेक्ट करने के बाद टिक पर क्लिक करना और यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से परफेक्टली आपको अपनी फ़ोटो को यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में सेट कर देना है और इसके बाद फिर से प्लस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सेकंड वाली फ़ोटो को भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर मैं आप सेकंड वाली फ़ोटो को भी यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर दोनों फ़ोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। तो इस तरीके से गाइज आपको जो अपनी दोनों फ़ोटो को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और अपनी दोनों फ़ोटो की साइज़ को आप अपने हिसाब से परफेक्टली बैकग्राउंड में यहाँ पर आप जो है सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों फ़ोटो को मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है। इसके बाद गाइज यहाँ पर अगर आप जो है बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए गाइज आपको जो है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको जो है गैलरी का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज अगर आपने अपने मोबाइल में ऑलरेडी जो है HD बैकग्राउंड अगर आपने डाउनलोड करके रखा है तो सिंपली गाइज आपको फ्रॉम गैलरी ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन गाइज अगर आप बैकग्राउंड में कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको जो है कलर ऑप्शन पर क्लिक करना और इसके बाद यहाँ से आप जो है कलर चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल गाइज यहाँ पर मैं जो है किसी इमेज को यहाँ पर बैकग्राउंड में ऐड कर लेता हूँ। तो इसके लिए गाइज आपको जो है फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना और गाइज आपने जो भी बैकग्राउंड डाउनलोड करके रखा है सिंपली आपको उस बैकग्राउंड को चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपको टिक पर क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो में हमारा जो है बैकग्राउंड यहाँ पर सेट हो चुका है। तो गाइज मैंने ऑलरेडी यहाँ पर गूगल क्रोम से ऑलरेडी मैंने जो है बैकग्राउंड डाउनलोड करके रखा था। अगर आपके पास भी मोबाइल में कोई बैकग्राउंड है तो इस तरीके से आप अपनी फ़ोटो में जो है बैकग्राउंड सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से आप दो अलग अलग फ़ोटो को एक ही बैकग्राउंड में यहाँ पर आप जो है परफेक्टली इस तरीके से आप जो है ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से फ़ोटो को दो फोटो को एक ही बैकग्राउंड में सेट करने के बाद अगर आप अपनी फ़ोटो को गैलरी में सेव करना चाहते हो तो इसके लिए गाइस आपको जो ऊपर की ओर 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करके आपको अल्ट्रा पर सेट करना और गाइस सेव टू गैलरी पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करते गाइस ये फोटो आपकी मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगी। यहाँ पर कुछ ऐड शो करेगी तो ऐड को ऊपर से आपको जो है स्किप कर लेना है और अब गाइस आप गैलरी को ओपन कर सकते हो। गैलरी में आपकी जो है फ़ोटो यहाँ पर सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गैलरी में हमारी जो है फ़ोटो यहाँ पर सेव हो चुकी है। तो गाइज कुछ इस तरीके से आप दो अलग अलग फ़ोटो को गाइज आप जो है एक ही बैकग्राउंड में यहाँ पर आप सेट कर सकते हो।
तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा।